We'll connect in there. So, hi guys, I've started this new vlog from my new GoPro. और आज हम जा रहे हैं हिमांशु की नई बाइक लेने. कौन सी बाइक ले रहे हैं? इंटरसेप्टर 650. इंटरसेप्टर ले रहे हैं, यही वाली जो मेरी है. ये सनसेट स्ट्रिप कलर है, बट हम कौन सा कलर ले रहे हैं? कैलिस ग्रीन कलर ले रहे हैं गाइस. तो जिनको नहीं पता, कैली ग्रीन ले रहे हैं हम. तो जिनको नहीं पता, ये इंटरसेप्टर मेरे पास है. इस पर AEW के एग्जॉस्ट और KNN का फिल्टर मैंने लगाया है. बाकी ये बार एंड मिरर्स और ये सब लगा रखा है अभी फिलहाल. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. तो चलो अब हम बिना ड्यू के चलते हैं लेने. पहले हम उस पर ही जा रहे थे, बट मेरी एक मीटिंग भी है, तो अभी हम फिर अब गाड़ी में जाएंगे अपनी. तो बाकी का ब्लॉग हम आपको ये हम निकले गाइस सारे सनरूफ ओपन करके. कौन सा कलर है भाई, एक बार फिर से बताओ. कैली ग्रीन कलर है और ये ले रहा है गाड़ी. और हम बैठे हैं अपनी गाड़ी में. हमें जाना तो था उसमें इंटरसेप्टर में, बट एक मेरी मीटिंग है वो करनी बहुत ज़रूरी है. वो नहीं करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए ये हुडी भी देख लो आप, वेयर पे लगा, इसे लगती है ठंड तो इसलिए. कौन से लेनी है हमें डीलर? अभी हम शास्त्री नगर में हैं. कौन से डीलर से लेनी है? एलाइड है शायद. कहाँ पर है? राजपुर रोड में. अच्छा, झारखंड में जो है, झारखंड में है गाइस जो ये डीलर है. पैसों के मॉल के अपोजिट है शायद. तो वहाँ से हमें लेनी है. तो आगे का चलो आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं. अच्छा, स्टार्टेड. सो हाँ, तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो रहा है. कैश, तो हमने पूछा भाई कैश का अटैची लेके आए. कितने कितने की है भाई कॉन रोड? 3,62,000 अप्रोक्स समथिंग की है वाला वेरिएंट, जिसमें एक नॉर्मल कलर आता है. अगर आप उसके ऊपर कोई भी अलग वेरिएंट लेते हो तो आई थिंक 10,000 रुपये और बढ़ जाता है. अगर आप क्रोम वाला लेते हो तो शायद 15,000 रुपये 10 के और ऊपर हो जाता है. तो वो अराउंड 394 के आसपास पड़ती है जो बारह वेरियंट है. और जो कॉन्टिनेंटल है वो नॉर्मल इंटरसेप्टर से शायद 15-20,000 महंगी है, ऐसा कुछ है. फिर उसके अलावा उसमें अगर आप वही कलर चूज़ करोगे तो फिर कलर वही 10,000 का वेरियंट और हाई होगा. तो जो मेरी वाली इंटरसेप्टर है वो 2022 में मैंने ली थी, नहीं 2023 में मैंने ली थी. 2023 का मॉडल है वो. और उसमें स्पोक अलॉयज और नॉर्मल स्विच गियर और हेलोजन बल्ब ये सब था. वो तो मैंने चलो चेंज करा दिया. बट जो ये वाली जो वेरिएंट है इसमें LED है और स्विच गियर भी नए वाले हैं शायद. तो स्टैंडर्ड हो गए हैरिस में ना. हाँ, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे जो कि हैं इसमें. सो अभी जब शोरूम हम पहुँच ही रहे हैं फिर हम आपको इसकी एक कम्प्लीट वॉक थ्रू लुक और वो दिखाई देंगे कि कैसा है. इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं, बट क्या तेरा हिमालयन का भी माइंड बन रहा था शायद कि हिमालयन लूँगा, बट इसको हिमालयन से वो पैरेलल ट्विन की साउंड नहीं आएगी जो ये मेरी बाइक में सुनता आया है एग्जॉस्ट की, और वो उतनी तेज शायद चलेगी भी नहीं. तो थोड़ा इसको वो रिएक्शन वीडियो का लड़कियों को दिखाना है. अभी तो कॉलेज वॉलेज में ले जाएगा और ये घूमेगा फिरेगा. तो इसलिए सिर्फ इसलिए इस रीज़न से इसने इंटरसेप्टर लिया. तो आप अपना रीज़न देख लो. अगर आपको टूरिंग वगैरह करनी है तो नई हिमालयन बहुत अच्छी है. अगर आपको शोशाबाजी करनी है, थोड़ा इधर उधर घूमना है, तो आप इंटरसेप्टर ले लो आवाज़ वाज़ के लिए. बस चलाने वो अपने रिस्क पे लेना. मेरा तो अभी तक कटा नहीं, बट कभी भी कट सकता है. तो अभी हम कहाँ पहुँच गए? सर्वे ऑफ इंडिया. हम सर्वे चौक पहुँच गए, सर्वे ऑफ इंडिया. कुछ दिख रहे हो वो रहे पहाड़, आई डोंट नो इफ विजिबल. ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूँ उससे, मतलब मेरे पास आईफोन है बट मैं नहीं बना रहा उससे. सो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ उससे, GoPro से मैंने अभी लिया था. तो दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग जो इससे अब जा रहा है. तो आप बता देना कैसा है कैसा नहीं है. बाकी अच्छी रेंज रोवर कितनी अच्छी लगेगी.
तो फिर अभी पहुंचते हैं शोरूम, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का देखो गाइस कितनी भीड़ है। अभी हम पूरे भीड़ में ही थे, दिस इज ऑल भीड़। ये सड़क है बेसिकली, बट राजपुर रोड है ये, तो आप देख लो राजपुर रोड की हालत। कपड़े, चाउमीन, टिक्की, जो सब यहाँ बनना शुरू हो गया। लोग जहाँ दिखी भीड़ वहाँ उमड़ पड़े। सो ऐसा कुछ सीन था। अभी जस्ट अभी निकले हैं, वरना पूरा ये, अरे वो तेरे को क्रोम वाला कलर भी तो ले सकता था। राजा बाबू वाला क्रोम कलर, उस पे हम धागे बांध देते वो हैंडल से, ऐसे ऐसे करके बस हो जाता काम। वो क्लासिक में वो कलर अच्छा लगता है। जीटी में क्लासिक में सही हो कलर। इंटरसेप्टर में थोड़ा लाल लाल कर दिया उन्होंने। पहले इंटरसेप्टर में भी पूरा वो आता था आगे क्रोम पूरा आता था। तो ये जाखर है गाइस, उनको नहीं, जो देहरादून से उनको तो पता ही है, जो नहीं है वो देख लो कि ये दिस इज जाखन, फेमस फॉर क्लब्स एंड शॉपिंग एरियाज और स्टफ। और अच्छा डाउनटाउन कह लो इसे देहरादून का। हाँ ये सही कह रहा है, डाउनटाउन है गाइस, दिस इज द डाउनटाउन ऑफ देहरादून। तो ये पूरा पीछे से शुरू होकर आगे तक जाता है, तो यू कैन चिल एंड रिलैक्स है। तो मैं आपको सारा बार, हुक्का बार, लाउंजेस और ये सब मिल जाएंगे। अब देहरादून में ये भी शुरू हो गया है गाइस, ये बियर वाला ना स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स विद बियर। सो दिस इज इन नाउ, तो अब सब यही खोले जा रहे हैं। और क्या है, और एक मॉल आने वाला है अपना पैसिफिक, एक लौता मॉल था देहरादून का, बट अब एक और सेंट्रियो खुल गया है पीछे, और एक और बहुत बड़ा मॉल खुल रहा है, मॉल ऑफ देहरादून, मॉल ऑफ देहरादून नाम से, काफी बड़ा, सबसे बड़ा मॉल वही होगा, बिगेस्ट मॉल ऑफ देहरादून। मेरे को लगता है वो मॉल ऑफ इंडिया को टक्कर देगा, इतना बड़ा मॉल है वो। हाँ हंस रहे हो भाई तुम, सच में नहीं, मॉल ऑफ दुबई बोल दो वो यूरा पैसिफिक मॉल। अमेरिका वाला कौन सा हो? रॉयल एनफील्ड एलाइड ऑटो का। यहाँ पे पता है कि अब हम चलते हैं शोरूम के अंदर। भाई की वाइट कर रही है, वेट एकदम खुश है, थैले में मोटा कैश लेके आया है। तो अब लेट्स सी, थोड़ा बिजी मीटिंग पे थे, तो यहाँ तो पेमेंट शुरू हो गई यार। अरे क्या क्या बनाया, पेमेंट हो रही है कितने, देख लिया तुमने बाइक चेक कर ली? बाइक का मॉडल वो क्या है, ईयर मंथ, सॉरी जनवरी 24 पक्का? कितना और क्या क्या हटवा दिया उससे? हाँ वो आरएसए वगैरह और सेंडर वगैरह भी, इसके बाद में लेंगे। तो बाइक आपकी ये खड़ी है सरप्राइज है, वो क्रोम वाली ये भी लगाना, ये मुझे ये लगानी है टूरिंग सीट, ये अच्छी है। तो ये अपनी फाइनल कोटेशन बनी है, हिमांशु बिस्ट की गाड़ी है, इंटरसेप्टर 3030 ऑन रोड बढ़िया में 364। तो मैं आपको अब तक नई शॉट गन दिखा दूँ, ये भी शॉट गन 650। इसका टायर तो मोटा है, शॉट गन कैसी लग रही है? मैं बैठ के दिखाता हूँ भाई, मैं 6 feet हूँ तो कैसा लगेगा।
सुपर मीटर से थोड़ा कम बट इंटरसेप्शन से अच्छा स्टार्ट है। सही लग रहा है आप ले सकते हो शॉर्ट में भी बट भारी है और इसमें वो वाला मीटर भी नहीं आता नॉर्मल वाला मीटर है और एक ये गूगल ट्रिप है और एक नॉर्मल है सुसी आई सी आना अच्छी है बाकी इसके अलावा हेलमेट्स एक्सेसरी ये भी बाइक्स में आपको दिख रहा था वो क्लासिक खड़ी है यहाँ पर क्लासिक बहुत ज़्यादा बिक रही है इनकी 350 ब्लैक है ग्रे है तो एक ये मीटियर और ये वाली भी क्लासिक है बस कलर के पैसे गए बाकी बाइक तो सेम ही है कलर जितना एक्सपेंसिव है उतना कलर्स के 20-25-30,000 रुपये बढ़ जाते हैं बाइक्स में दिस इज़ द ओनली डिफरेंस ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मेरा भी चेंज हो गया है 350 और यहाँ पे इंटरसेप्टर खड़ी है क्रोम कलर क्रोम बाइक रेडी है बाइक सर उसमें एक लगा लगना लगवा दो यार वो अंदर ही होगा काम बाहर ला रहे हो गाड़ी वो तो लगेगी तो वहाँ पे डिलीवरी नीचे हो पाएंगे वहाँ अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क आ गया है इसमें प्राइसेस में जब मैंने 2012 में कॉलेज में ली थी इलेक्ट्रा तो मुझे पड़ी थी 1,14,000 की अभी आप इस पूरी लिस्ट में देख लो आपको 1,14,000 कहीं दिख रहा होगा मिनिमम जो शुरुआत है वो कहाँ से है भाई 2017 बुलेट मिलिट्री जो बेसिक कलर है उसका वो है 2,17,000 का और लो उसके बाद ही है सारी इसके प्राइस मतलब एक एक लाख रुपए महंगी हो चुकी है टाइम लग रहा है गाड़ी वाली सब महंगी हो रही है बट उस समय ना 1,04,000 की स्टैंडर्ड आती थी और 1,14,000 की रेट आती थी और शायद 1,38,000 की क्लासिक ये प्राइसेस थे तो अभी चल रहा है अपना क्या पेमेंट का हिसाब ये एसेसरीज हेलमेट भी ले लें अच्छा हेलमेट है और शॉर्ट टर्म मुझे अच्छे लगे शॉर्ट टर्म मुझे नहीं हम ब्लॉग बनाते हो हैं हाँ हम ब्लॉग बनाते हैं क्या नाम है आपका अजय भाई एक अंदर और है ब्लॉगर अच्छा अजय भाई बोल रहे हैं लोग कहते हैं कि ये लगवाओ या तुम लोग निकलवा रहे हो उससे हम ये बता रहे थे कि क्यों निकलवा रहे हैं अब देखो इसका लुक अपना आप एनहांस हो गया थोड़ा टायर देखेगा कम हो गया इस पर जो लेवल थोड़ा कि लाइट करा सारा सिस्टम इसी में रहता है पेड़ निकाल के तो गाइस ये बेसिकली इसलिए आता क्योंकि एक रूल है इंडिया में ये साड़ी गार्ड भी मैंडेटरी इसकी वजह से है और ये पीछे वाला जो गार्ड होता है प्लास्टिक बेसिकली ये भी मैंडेट होता है कि लगाना ज़रूरी है पर आप बाहर में जितने मॉडल्स देखोगे इंटरसेप्टर के उनमें ये बिना इसके ही आते हैं जल रही इसे दिलीप से टाइम करवा ले ठीक है ये भी बोल रहे हैं ये भी आ जाएगा हाँ और ये यहाँ तक भी इसे यहीं तक आती है ये पोर्शन एक्स्ट्रा ये भी तो खुलवा दें किसका है खुलवा दें आपका तो खुलवा रहा है नहीं मेरा भी है आपका हाँ मेरा पूरा ब्लैक रहा लगता नहीं है अच्छा मैं तो खुलवा देता उसको तो अभी गाइस अभी निगम शोरूम से निकली नहीं है बाइक और निकलना सामान शुरू हो गया धीरे धीरे इसका एग्जॉस्ट भी निकलेंगे तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहना अबाउट हाउ वी डू व्हाट वी डू विद दिस थिंग इसमें एक फीचर और है हजार्ड लाइट आ गई है तो दोनों साथ में चलती हैं दो महीने हो गए अच्छा अभी नया पहले कहाँ से मैं पेंट सेल करता था अच्छा पेंट सेल से यहाँ गुड टू गो हो जाएगी गाड़ी ये वाला अपना घर में ही डालेंगे नाउ रिमूविंग द सारी गाड़ी तो इसमें लीवर्स
भी आपके एडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्टेबल बहुत दोनों के एडजस्टेबल है। और एक इसमें चार्जिंग सॉकेट मिल गया, आपने नट रहने दो, 100 में लगा दीजिए, 100 में लगा दीजिए, ये आप ले जाओगे? हाँ, तो ये खुल गई है ऑटोमेटिकली, देखो थोड़ी बेटर हो गई है भाई कंपेयर टू व्हाट इट वाज, बेटर। अब हम लगा रहे हैं फ्रंट विंडस्क्रीन, विंडस्क्रीन लगा रहे हैं छोटी गाड़ी, अभी विदाउट विंडस्क्रीन लुक कुछ ऐसा है। स्टार्ट हो गया वो ऑलरेडी, मान ली टाइम भी काफ़ी बड़ा है, टाइम का वो कम है, हार्डवेयर अच्छा है इसमें, शोवा के सस्पेंशन वगैरह तो अगर सेंसर है, स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। अभी कर लूँ ऐसी भाई, तो हमारी बाइक फाइनली आ गई है, अब होते होते तो हो गई है रात, पर फिर भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो ये है इसका ग्रीन कलर जो हमने लिया है, दिस इज हाउ इट लुक्स, दूर से बना दिख रहा होगा कि नहीं, इसे हाउ इट लुक्स आपको लाइट में दिखा देता हूँ, जैसे सिल्वर क्रिस्टल्स करके कलर है, ठीक है। इसका हमने निकाल दिया था ये साइडिंग गार्ड और वो, लेकिन इसमें ऐसे क्रिस्टल अब दिखेंगे, ये पूरा दिन में बहुत सही चल गया। तो दिस इज हाउ द बाइक लुक्स, ये मीटर है, इसके स्विच गियर स्विच नॉब चेंज हो गए, ऐसे हो गए, आपको स्टार्ट भी करके दिखा दें, और ये ब्राउन रंग की सीट है, ब्लैक की है, इसे हमने इसका ये हटा दिया था, ये हाउस अभी हम इसकी रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट ऐसे ही रहना, एक से ऐसे ही रहो, ठीक है भाई, डिलीवरी कर लिया, हैंडशेक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके टैंक में बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ता है, पन्नी लगा ली है, मैं लगाऊंगा पर लगाऊंगा, चलो गाइस अब आई थिंक आज का दिन तो ख़त्म, अब हम देखेंगे कल, आपको दिखाऊंगा बाइक की जो फाइनल लेकर, अभी तो ये है, अभी ये रात के कलर ब्लैक लगता है, तो ब्लैक आपको कल बताएंगे, आराम आराम से भाई, नई बाइक, नई बाइक को आराम आराम से लेके चल,
अभी नहीं है ना, अभी बस निकल गए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू और ये रही अपनी ब्रांड न्यू ग्रीन वाली इंटरसेप्टर। सो अब आपको ढंग से इसका कलर दिख जाएगा। सो ये है बाइक की कुछ ऐसे लुक। हमने इसका पीछे का ये निकाल दिया था, द साड़ी गार्ड एंड द बैक वाला वो। सो देखो ये, दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक। सो आई थिंक ज़्यादा लोगों ने सिंगल वाला ग्रीन कलर लिया नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। थोड़ी गंदी है बाइक, बट ये इसका शाइन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द डे। कौन सा कलर है? कौन सा ग्रीन? कैली ग्रीन। तो गाइस ये है कैली ग्रीन कलर और ये वाला है सनसेट स्ट्रिप। सो इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए, आप वीडियो में देख लेना, बट दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। सो बताओ आप कैसे लग रही है आपको ये गाड़ी। इसके ब्लैक रिम्स आते हैं, ब्लैक ये आता है। दिस इज़ द 2024 मॉडल, तो इसमें कुछ चेंजेस हैं दैट जो मेरे 2023 मॉडल से अलग है। तो चेंजेस ऐसे हैं कि इस पर स्विच गियर्स कम्प्लीटली न्यू है। सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड, ठीक है। हज़ार्ड इसमें लैम्प ऐड हो जाता है, इधर स्विच गियर्स लाइट पास के अलग है। इसकी ग्रिप्स थोड़ी और थोड़ी कम्फर्टेबल और अच्छी कर दी है कंपनी ने पैसे के मुकाबले। एडजस्टेबल उसमें लीवर्स आते हैं, सो दीज आर एडजस्टेबल, यू कैन एडजस्ट देम। नया मास्टर सिलेंडर है, LED लाइट्स हैं, हेडलैम्प्स, ये स्टॉक वैसी है पुरानी हैलोजन। और क्या है, और हाँ इसमें एक ऐड हुआ है ये चार्जिंग। सो ये चार्जिंग का इसमें नया इंक्लूजन है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, चार्जिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। बट आप बताओ कलर कैसा लगा आपको, मैं सबसे दिखा दूँ, थोड़ा शाइनी और ये कलर है। मेरे को तो अच्छा लगा, ग्रीन पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। सीट के जूम क्रूज टायर अभी भी कंपनी दे रही है 130, बैक पे 100 आई थिंक ऑन द फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑयल कूलर ये सब आ गया। ये यहाँ से भी आप लुक देख लो, दिस इज द लुक ऑफ द व्हीकल। चाबी दे, चाबी मैं आपको उसका स्टॉक साउंड सुना देता हूँ एक बार ऑफ दिस। ओ देखो रॉयल एनफील्ड की चाबी, महिंद्रा की चाबी, कितना तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे करके ये वो जाती है। हाउ इट इज हॉर्न, सेम हॉर्न है, हॉर्न तो अच्छा ही देता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। आप बताओ आपको ये कलर कैसा लगा। आई थिंक देहरादून में पता नहीं मुझे है और एक दो ही होगा, तो दिस इज अ प्रिटी गुड न्यू कलर ऑफ 2024 और काफ़ी अच्छा लग रहा है इन पर्सन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थोड़ी शॉर्ट वीडियो ही थी बस वॉक अराउंड की। थैंक यू गाइस।